नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं CGHS CSMA रूल्स पार्ट 9, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, UDC इन NCT कंडक्टेड बाय UPSC, EMRS, KVS, NVS एग्जामिनेशंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस पार्ट में बिल्कुल फाइनल क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आया हूं, जो कि निश्चित रूप से आपको अपने एग्जामिनेशन में मिलेंगे। वीडियो का पहला क्वेश्चन है 151। व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी ऑफ द फैमिली मेंबर्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों की निर्भरता के लिए आय सीमा क्या है, कितनी आय होनी चाहिए डिपेंडेंसी निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन ए ₹7,000 प्लस द अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एडमिजिबल ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम। बी ₹9,000 प्लस द अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एडमिजिबल ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम। सी ₹3,500 पर मंथ, डी ₹12,000 पर मंथ। इसका सही उत्तर है बी ₹9,000 प्लस द अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एडमिजिबल ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम। क्वेश्चन नंबर 152। विच डिसेबिलिटी डज नॉट कंस्टिट्यूट ए परमानेंट डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल रिम्बर्समेंट। मतलब है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से कौन सी विकलांगता स्थायी विकलांगता नहीं मानी जाती है, नहीं है। ऑप्शन ए रेनल फेल्योर, बी लेप्रोसी क्योर्ड, सी ब्लाइंडनेस, डी हियरिंग इंपेयरमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ए रेनल फेल्योर। रेनल फेल्योर को परमानेंट डिसेबिलिटी में कंसीडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 155। व्हाट इज द एज लिमिट एप्लीकेबल टू द सन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर CSMA रूल्स। CSMA नियमों के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सरकारी कर्मचारी के बेटे पर लागू आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए अटेंडिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स और स्टार्टिंग टू अर्न और गेटिंग मैरिड विच एवर इज अर्लियर, बी 20 ईयर्स, सी 18 ईयर्स, डी नो एज लिमिट। मतलब CSMA रूल्स के तहत जो बेटा है उसकी उम्र कितनी होने पर या कौन सी कंडीशन में रिम्बर्समेंट के क्लेम के लिए एलिजिबल होता है और क्या सिचुएशन में वो डिपेंडेंट नहीं माना जाता, उसकी एज लिमिट है वो हमें कंसीडर करनी है, निर्धारित करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स और स्टार्टिंग टू अर्न और गेटिंग मैरिड विच एवर इज अर्लियर, या तो 25 साल की उम्र तक या वो कमाना शुरू कर दे या शादी हो जाए, तो उन सिचुएशन में वो डिपेंडेंसी है उसकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 156। व्हेन मेडिकल रिम्बर्समेंट इज रिजेक्टेड एंड रीजंस फॉर रिजेक्शन इज इंटीमेटेड टू द क्लेमेंट मे सबमिट एंड अपील टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज। मतलब कि जब चिकित्सा प्रतिपूर्ति अस्वीकार कर दी जाती है और अस्वीकृति के कारणों से दावेदार को सूचित किया जाता है, तो दावेदार 10 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत और अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है, अगर रिम्बर्समेंट क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं और उसका कारण भी बता दिया गया है। ऑप्शन है ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 20 डेज, डी 45 डेज। इसका सही उत्तर है डी 45 डेज। 45 दिनों के अंदर अपील कर देनी चाहिए अगर रिजेक्शन हो गया है और कारण भी सूचित कर दिए गए हैं, तो हायर अथॉरिटीज को या कंट्रोलिंग ऑफिसर को 45 डेज में अपने दावे के लिए अपील कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157।
एट ए टाइम द एएमए कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट एट द कंसल्टिंग रूम फॉर एक समय में एएमए परामर्श कक्ष में उपचार प्रदान कर सकता है कितने दिनों तक के लिए. ऑप्शन है ए 3 days, बी 5 days, सी 10 days, डी 12 days. करेक्ट आंसर इज सी 10 days. एक बार में ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट है वो 10 दिनों के लिए ट्रीटमेंट है वो दे सकता है. क्वेश्चन नंबर 158. कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेज इन रिम्बर्सेबल अंडर सीएसएमए रूल्स 1944. सीएसएमए नियम 1944 के तहत प्रतिपूर्ति योग्य कृत्रिम उपकरणों की लागत कौन से उपकरणों पर लागू होती है, रिमर्सेबल होते हैं. ऑप्शन है ए हिप जॉइंट विद पेल्विक बैंड, बी नी केज, सी आर्टिफिशियल लिम्स, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है ए हिप जॉइंट विद पेल्विक बैंड. क्वेश्चन नंबर 159. ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट. एक सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में से किस उपचार के लिए भारत से बाहर चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकता है. ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, बी बोन मेरो ट्रांसप्लांट, सी कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ल्यूकेमिया एंड नियोप्लास्टिक कंडीशंस, डी ऑल ऑफ द अबव. मतलब कौन सी बीमारियों में कौन सी सिचुएशन में भारत से बाहर चिकित्सा प्राप्त करने का हकदार होगा. इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव. सभी कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स या हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए और कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज ल्यूकेमिया लियोप्लास्टिक कंडीशंस कैंसर केसेज के लिए वो बाहर ट्रीटमेंट ले सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 164. इंडो ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल इन मेजर इलनेस ऑफ बाईपास सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट मेजर कैंसर ट्रीटमेंट एटसेट्रा मेडिकल एडवांस इज एडमिजिबल डैश ऑफ पैकेज डील. मतलब है बाईपास सर्जरी गुर्दा प्रत्यारोपण प्रमुख कैंसर उपचार आदि जैसी बड़ी बीमारी में अस्पताल में इंडोर उपचार के लिए पैकेज डील के लिए चिकित्सा अग्रिम स्वीकार किया जाता है कितने परसेंट तक. ए 70%, बी 80%, सी 90%, डी 100%. करेक्ट आंसर इज 90%. 90% तक पैकेज रेट है उसका एडवांस मिल सकता है. मेजर ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर इंडोर पेशेंट के रूप में. क्वेश्चन नंबर 161. मेडिकल एडवांस इज एडमिजिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्रॉइंग पे इन द पे. वेतन में वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम स्वीकार है कौन से वेतन लेवल तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकार्य होता है. ऑप्शन ए लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स, बी लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स, सी लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स, डी पे लेवल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पे लिमिट्स. करेक्ट आंसर इज डी पे लेवल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पे लिमिट. क्वेश्चन नंबर 162. द ड्यूरेशन ऑफ आउटडोर ट्रीटमेंट एट ए मेंटल हॉस्पिटल इज. मानसिक अस्पताल में बाहरी उपचार की अवधि है कितने दिनों तक. ए 3 years, बी 5 years, सी 7 years, डी नो टाइम लिमिट. करेक्ट आंसर इज डी नो टाइम लिमिट. मतलब है कि मानसिक रोगी को आउट पेशेंट के रूप में कितने समय तक ही ट्रीटमेंट मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 163. व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू रिसीव मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल. यानी कि किसी मान्यता प्राप्त महिला अस्पताल में चिकित्सा उपस्थिति और उपचार प्राप्त करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी के पुरुष बच्चे की अधिकतम आयु सीमा क्या है. ए 5 years, बी 6 years, सी 10 years, डी 12 years. करेक्ट आंसर इज बी 6 years.
छः साल तक का बच्चा है वो वुमेन्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है मेल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 164, द एज लिमिट ऑफ ए परमानेंट डिसेबल्ड डिपेंडेंट ब्रदर ऑफ बेनिफिशरी ऑफ CCSMA रूल्स इज, अर्थ है CCSMA नियमों के लाभार्थी के स्थायी विकलांग आश्रित भाई की आयु सीमा क्या है? ए अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, बी विदाउट एनी अपर एज लिमिट, सी अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, डी अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स। किसी कर्मचारी के डिपेंडेंट भाई की डिसेबिलिटी एज है वो कितनी होगी? इसका सही उत्तर है बी, विदाउट एनी अपर एज लिमिट। परमानेंट डिसेबिलिटी की कंडीशन में कोई अपर एज लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर CCSMA रूल्स 1944 हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 months टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब है CCSMA नियम 1944 के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अंतिम दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा को मौजूदा 3 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 4 months, बी 2 months, सी 6 months, डी 8 months। इसका सही उत्तर है सी 6 months। फाइनल पेमेंट बिल है वो 6 महीने तक जमा किया जा सकता है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पर। क्वेश्चन नंबर 166, द इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी इज, निर्भरता के लिए आय सीमा है वो कितनी है? ऑप्शन ए ₹9,000 पर मंथ, बी ₹9,000 प्लस DA, सी ₹10,000 पर मंथ, डी ₹10,000 प्लस DA। मतलब डिपेंडेंसी के लिए कितनी आय सीमा है वो होनी चाहिए रिम्बर्समेंट के लिए? इसका सही उत्तर है बी 9,000 प्लस DA। अगर किसी फैमिली मेंबर को 9,000 प्लस DA इनकम हो रही है तो वो डिपेंडेंट माना जाएगा, और इसी तरीके से पेंशनर है तो 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ है वो भी डिपेंडेंट की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 167, CCSMA बेनिफिशरीज आर एंटाइटल टू फैसिलिटीज ऑफ प्राइवेट वार्ड ड्रॉइंग बेसिक पे ऑफ, मतलब CCSMA के लाभार्थी मूल वेतन पाने वाले निजी वार्ड की सुविधाओं के हकदार हैं। ऑप्शन है ए अप टू ₹47,600, बी ₹47,600 वन टू 63,100, सी ₹63,100 वन टू 80,900, डी ₹80,900 वन एंड अबव। करेक्ट आंसर इज सी ₹63,100 to ₹80,900। मतलब प्राइवेट वार्ड की सुविधा प्राप्त करने के लिए 63,101 से लेकर के 80,900 जिनका मूल वेतन होता है उनको ये सुविधा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 168, द मैक्सिमम रूम रेंट एडमिजिबल फॉर जनरल वार्ड इज, सामान्य वार्ड के लिए स्वीकार्य अधिकतम कमरे का किराया है। ऑप्शन ए ₹2,000 पर डे, बी ₹1,000 पर डे, सी ₹1,500 पर डे, डी ₹900 पर डे। सामान्य वार्ड के लिए कमरे का अधिकतम किराया है वो कितना रिम्बर्सिबल होगा? इसका सही उत्तर है सी ₹1,500 पर डे। क्वेश्चन नंबर 169, द मैक्सिमम रूम रेंट एडमिजिबल फॉर प्राइवेट वार्ड इज, निजी वार्ड के लिए स्वीकार्य अधिकतम कमरे का किराया कितना होगा? ए ₹2,500 पर डे, बी ₹3,000 पर डे, सी ₹4,000 पर डे, डी ₹1,500 पर डे। इसका करेक्ट आंसर है बी ₹3,000 पर डे। मतलब
प्राइवेट वार्ड के लिए जो इलिजिबल मेंबर है उसको 3,000 रुपये पर डे रूम रेंट मिलेगा। एमसीक्यू के T20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 170 पैकेज रेट फॉर रिम्बर्समेंट फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी इन्वॉल्विंग लाइव लीवर डोनर सेल बी। लाइव लीवर डोनर को शामिल करते हुए लीवर प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए प्रतिपूर्ति के लिए पैकेज दर क्या होगी? ऑप्शन ए ₹11,50,000 प्लस प्री ट्रांसप्लांट इवेल्यूशन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ₹2,50,000, बी ₹12,00,000 प्लस प्री ट्रांसप्लांट इवेल्यूशन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ₹3,00,000, सी विच एवर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉई, डी नन ऑफ दी अबो। इसका करेक्ट आंसर है ए ₹11,50,000 प्लस प्री ट्रांसप्लांट इवेल्यूशन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ₹2,50,000, मतलब 11,50,000 रुपये तक का रिम्बर्समेंट मिलेगा लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, साथ में ही 2,50,000 रुपये की जांच डोनर और रेसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इस तरीके से हमने 170 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन सीजीएचएस सीएसएमए रूल्स पर कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बाहर पेपर में क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। आप सारे वीडियोस देखिए और अपने आप प्रिपेयर करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।